आइए दोस्तों, आज हम लाइब्रेरियन ग्रेड टू जो आरबीएससी द्वारा अभी 2 तारीख को एग्ज़ाम आयोजित हुआ था 2 अगस्त 2020 को, तो उसमें कुल 150 सवाल थे, जिनमें 100 सवाल थे वो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित थे और अपने 30 सवाल राजस्थान जीके से संबंधित थे और 10 सवाल हिंदी और 10 सवाल इंग्लिश लैंग्वेज के थे। तो आज जो हम राजस्थान जीके पोर्शन के जो 30 सवाल थे उनको देखते हैं। पहला सवाल इसमें आता है, आप राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है मुख्यतः पश्चिम राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में मिलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हवा जिधर से हवा आती है उसके समकोण में जो बालू का स्तूप उनका निर्माण होता है। तो ये वैसे देखा जाए तो मेरे अनुसार इसमें उत्तर लूणी बेसिन के पश्चिमी भाग में होना चाहिए। इसके बाद में सुमेलित करना है, तो अब देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी ये अपने उदयपुर में स्थित है और उसकी स्थापना 1958 में हुई। राजस्थान उर्दू अकादमी ये अपने जयपुर में स्थित है, 1979 में स्थापना हुई। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ये 1969 में, एंड अरबी फारसी शोध संस्थान जो कि टोंक में स्थित है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान, इसकी स्थापना 1978 में हुई। सुमेलित करना है, स्थान है और एक तरफ होली के प्रकार हैं। तो श्री महावीर जी जो करौली में पड़ता है, यहाँ पर अपनी लठमार होली प्रसिद्ध, लठमार होली वैसे वृंदावन क्षेत्र के प्रसिद्ध है, तो वृंदावन क्षेत्र के ही नज़दीक पड़ता है अपने राजस्थान का, करौली धौलपुर भरतपुर वगैरह, तो यहाँ पर लठमार होली। भिनाई क्षेत्र जो अजमेर पड़ता है, यहाँ की कोड़ामार होली प्रसिद्ध है और सांगोद का नहान प्रसिद्ध है और बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? तो इनमें से 3 है जो कारण है जिनके कारण मरुस्थलीकरण मतलब है मरुस्थल का विस्तार होना। तो 3 ऐसे कारण हैं जो मरुस्थल का विस्तार कर रहे हैं और 1 ऐसा कारण है जो विस्तार नहीं कर रहा है। तो इसमें आपका ये बालू स्तूपों का स्थिरीकरण ये कारण नहीं है, बाकी अतिचारण, भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन और वर्षा की कम मात्रा विशेषकर पश्चिम राजस्थान के अंदर ये कारण है। लूणी जवाई बेसिन को इस नाम से भी जाना जाता है, तो ये अपना जालो और पाली का क्षेत्र है, गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। लूणी नदी वैसे नागपाड़ अजमेर से निकलती है और अपने अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालो और बाड़मेर होते हुए कच्छ की रण में लुप्त हो जाती है। इसके बाद में आता है, राजस्थान में कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित है जो पानी में फ्लोराइड के कारण होता है? तो पानी में फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस रोग है वो होता है, वो नागौर जिला इससे सर्वाधिक प्रभावित है। नागौर जिले में ही नागौर से लेकर के अजमेर तक जो ये क्षेत्र होता है इसको कुबड़ पट्टी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ फ्लोराइड की अधिकता होने के कारण लोगों में एक कुबड़ापन पाया जाता है। सालर के वन वितरित हैं, तो ये अपना हो जाएगा अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर ज़िलों में। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना ये अपनी 14 सितंबर 2010 को हुई थी। राजस्थान के सिरोही और पाली ज़िलों में कौन से प्रकार की प्रधान मिट्टी है जो मिलती है? तो इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से इनसेप्टी सॉइल चाहिए, पाली, जालोर, चित्तौड़, उदयपुर, ये इस तरफ के जो शुष्क से आर्द्र की तरफ ये मिट्टी पाई जाती है, और वर्टी सॉइल से ये अपनी अड़ोती विशेष तौर से हम कह सकते हैं बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अल्फी सॉइल से वो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, और एंटी सॉइल से वो पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पर लघु एरिडी सॉइल पाई जाती है वहीं पर ये मिट्टी भी पाई जाती है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये अपना संरक्षित प्रोटेक्टेड के अंतर्गत आता है, सर्वाधिक लगभग 55% है, लगभग 39% अपना आरक्षित वन क्षेत्र आता है, और लगभग 5-6% है वो अपना अवर्गीकृत वन क्षेत्र आता है। 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है वो पाली है, जहाँ पर ग्रामीण लिंगानुपात 1003 है। अरावली के निम्नलिखित शिखरों पर उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो अगर अवरोही क्रम बोले तो उतरता हुआ, तो सबसे ऊंचाई इसमें शेर है, फिर बाद में अचलगढ़ है, रघुनाथगढ़ है और तारागढ़ है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें बनास, कोठारी सही है, और माही, सागी, चंबल पार्वती और लूणी सुपड़ी। चंबल पार्वती सही है, लूणी और सुपड़ी सही है, तो इसमें आपकी माही सागी गलत है। भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये अपना उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, यानी कि सब ह्यूमिड साउदर्न प्लेन, इसके अंतर्गत ये जिले आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? ये बोली है रांगड़ी, जो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। कवि चंद्रप्रदाई का अन्य नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट था, और ये कवि चंद्रप्रदाई जो अजमेर के शासक थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा, उनके दरबारी कवि थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? इसमें कन्फ्यूजन है, वैसे 2002-3 होना चाहिए, लेकिन इसमें मैं श्योर नहीं हूँ।
शुष्क वन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है आफरी, जिसको हम बोलते हैं, ये जोधपुर में स्थित है। बांकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो बांकली झील आपकी पाली जिले में स्थित है। इसके अलावा आपको फिर ये सम्मिलित करने का ऑप्शन है, तो इसमें राजस्थान भाषा साहित्य, ये राजस्थान ना होकर के राजस्थानी होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ अलग टाइप का लग रहा है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति शोध संस्थान है ये बीकानेर में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये उदयपुर में है। राजस्थान ललित कला अकादमी ये जयपुर में है। और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में है। इसके बाद में आपका आता है राजस्थानी पद्य साहित्य का प्रकार और काव्य रचना। तो इसके अंदर नृत्य संगीत मूलक रचना है वो है चरचरी, चरित्र मूलक काव्य है वो हरिपिंगल, मंगल मूलक है वो धवल है, और प्रेम मूलक है वो विशालदेव और राशो है। बांकिया, सिंगी और टोटो लोक वाद्य किस परंपरा संबंधित है? ये तीनों ही लोक वाद्य हैं वो सुशीर, सुशीर यानी कि फूंक से जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं वो सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। इसके बाद में है लोक देवता और उनका संबंध किस जीव से है, ऐसा कुछ सवाल है। तो कल्ला जी ये भूत प्रेत के लिए हैं, गोगा जी ये अपने इनके सर्प के लिए हैं, करणी माता चूहा है इनका प्रतीक, और बाबू जी ऊँट के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद बेंगटी गांव जो कि जोधपुर ज़िले में फलोदी तहसील में स्थित है, वो हड़बू जी से जुड़ा हुआ है, हड़बू जी की समाधि वहीं पर स्थित है। वैसे हड़बू जी का जो जन्म स्थान है वो नागौर ज़िले में मुंडेल कस्बा है। राई नृत्य है ये भीलों का है, वैसे राई नृत्य को गबरी नृत्य भी कहा जाता है। दुतई, गदर, कानो एवं मिर्जई ये अंगरक्की के प्रकार हैं जो राजस्थान में पहनी जाती है। प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धोरारी ये कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित है। घूगरी, केवड़ा आदि लोकगीत है ये मेरे हिसाब से मरुस्थली क्षेत्र होना चाहिए। सात सहेलियों का मंदिर है वो झालरापाटन में स्थित है। और राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है वो अपने बयाना दुर्ग भरतपुर में है, वहाँ पर गुप्त शासक समुद्रगुप्त के द्वारा निर्मित है। धन्यवाद।